की नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद एडवोकेट हाई कोर्ट नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं हाजिर खिदमत। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका तारुफ हम देना शुरू करें तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हम प्रिसाइज करके देते हैं। ये एक लॉयर सन है, इसके अलावा 17 ईयर यानी 17 साल हो गए हैं वकालत के शोबा से मुंसलिक हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 10 साल इन्होंने नेशनल लॉ कॉलेज में एज ए लेक्चरर भी टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट लॉस और टैक्सेशन में किया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि इनके डिप्लोमा भी है और खिदमत भी है, तो हम टैक्सेशन के हवाले से करेंगे, क्योंकि टैक्सेशन जो है, टैक्स का मसला जो है, वो हर एक शहरी के लिए आजकल बना हुआ है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से कि लोग अपनी एनजीओस भी इसी वजह से काम कर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो हम आज इनसे इस बारे में एक मुफसल लेकिन जामिया जो है टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। जी नाजरीन, आए हम इनसे आज बात करते हैं। सातकन साहब, हम आपको प्रोग्राम कानून क्या कहता है मैं वेलकम कहते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मिस नादिया फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का, इस फोरम का, जिसने इधर मुझे जो है इन्वाइट किया फॉर एलुसिडेटिंग अपॉन दी टैक्सेशन एंड इट्स हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। जी गार्डनर साहब, जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और मैक्सिमम जो लॉज हैं हम बाइबल से ड्राइव किए गए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी टैक्सेशन का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बाइबल में टैक्सेशन के हवाले से कुछ बयान किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस के अंदर नए अहदनामे के अंदर जो है रोमियो के ख़त के अंदर जो है बड़ी वाजिया एक आयत है कि जितना जायज़ है उतना ही जो है वो टैक्स डाला जाए, उतना ही लिया जाए। ये रोमियो का ख़त 13वां बाब उसकी 6 से 7 आयत है नए अहदनामे के अंदर। इसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ इस तरह कि डोंट टेक मोर देन इज़ लीगल ही टोल्ड। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली जो हमारे टैक्सेशन लॉज हैं उसके अंदर भी इसी तरह का जो है वो सर्टेनिटी, एबिलिटी टू पे, और जो आगे अभी हम चल के बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स हैं टैक्सेशन के और सर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कन्वीनियंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स आपको इस जो है एक जो आयत, एक छोटी सी जो आयत है वो पूरे ये टैक्सेशन लॉ को कवर करती है। और जो टैक्स हम लगाया जा रहा है उसका पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का टैक्स है, उसके पीछे सैंक्शंस क्या हैं, उसके पीछे लॉ क्या है। तो ये जो है ये रोमियो के ख़त के अंदर जो ये बात है ये टैक्सेशन को बिल्कुल डिफाइन करती है। बाइबल में कलाम मुकद्दस के अंदर ये बिल्कुल वाज़ह तौर पे मौजूद है, और इसके अलावा और भी बड़ी जो है वो आयात मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो एक वाज़ह एग्जांपल है हज़रत यूसुफ के टाइम के ऊपर जब टैक्सेशन लगाया गया था वो गंदम के लिए और सारा, तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत वाइब्रेंट और वो प्रॉपर तरीके से जो एग्जांपल है हमारे पास अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं जी। अब एक तो हमने बिब्लिकल उसका बैकग्राउंड देख लिया, अब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि एक्चुअली टैक्सेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, उसका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें बताएं ताकि नाज़रीन को पता हो कि ये जो अभी राइज कानून है उसकी बुनियाद अभी नहीं रखी गई, ये बहुत पहले से चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक साहब थे 1776 के अंदर, उनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने एक रोल मॉडल जो है वो दिया कि टैक्सेशन के क्या कवानीन होने चाहिए और टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स क्या होने चाहिए। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी जो है ना वो जो पॉइंट्स हैं वो वाजिया किए हैं, जिसके अंदर फेयरनेस का प्रिंसिपल है, सर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, कन्वीनियंस का प्रिंसिपल है, एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है। जैसे कि जो अगर आपको टैक्स लग रहा है वो फेयर टैक्स लगे, वो नाजायज़ ना हो, सर्टन हो कि किसके अगेंस्ट आपने टैक्स दिया है, और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस से मुराद ये कि जब आपको टैक्स देना पड़ जाए किसी चीज़ के ऊपर तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के जो है ना वो दो चार ना होना पड़े, कॉम्प्लिकेशन से वो आप आराम से और आसानी के साथ जो है ना अपना टैक्स अदा करें, और एफिशिएंसी के साथ अदा किया जाए, और जो एफिशिएंसी आप जिस तरह टैक्स अदा होने में दी ली जा रही है उसी तरह उसको रिटर्न भी वैसे ही मिले। किसी शख्स को अगर वो अगर टैक्स दे रहा है तो जैसे हुकूमत है, अगर उसका हुकूमत का टैक्स है तो उसको अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर वो रोड का टैक्स दे रहा है तो उसको अच्छी रोड्स मिलनी चाहिए। तो ये एफिशिएंट वे में जो है वो अप्लाई होना चाहिए। यानी आपके कहने का सादा अल्फाज में कि अगर टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स का मतलब सिर्फ ये है कि रेवेन्यू जनरेट करके आपके जो
शहरी हैं उनको बुनियादी सहूलियात अच्छे तरीके से फराहम की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अब टैक्सेशन की अब जो प्रॉपर हमारे पास उसकी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने की तरफ चलते हैं कि टैक्सेशन में हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है। मैडम, हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर एक शख्स जो है वो टैक्स अदा कर रहा है और उसी के जो है उसका हम मनसब एक और आदमी है उस पर भी जो है ना वो टैक्स वही टैक्स लगेगा जो एक अदा कर रहा है दूसरा और शख्स वही अदा करेगा। और इसमें ये है होता है कि इसके अंदर देखा जाता है कि जो एबिलिटी टू पे होती है वो दोनों की सेम होती है और वो दोनों के ऊपर सिमिलर पोजीशन रखी जाती है। अगर वो सिमिलर पोजीशन के ऊपर है तो सिमिलर टैक्स लगेगा, ये नहीं कि एक को अगर ज़्यादा लग रहा है तो दूसरे को कम लगेगा या अगर दूसरे को कम है तो एक को ज़्यादा लगेगा। ये प्रॉपर जो है ना हॉरिजॉन्टल वे में जो है ना ये यानी कि तरीक़ेकार उनका ये कि आमने सामने रख के दोनों को प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर नहीं किया जाएगा बल्कि सेम ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना वो टैक्सेशन की जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे पास है कि इक्वली ट्रीट किया जी, जाएगा जी, 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 जी। तो वो इसी तरह बराबरी के मसावी जो है उसके ऊपर जहाँ पे हुकूक है फराइज भी मसावी ही लागू है। मगर उसमें जरूरी ये है कि दोनों को सिमिलर पोजिशन पर होना जरूरी है, एक कम पोजिशन पर हो और एक ज्यादा पोजिशन पर हो। इसके ऊपर भी जो है ना काफी दफा बहुत ज्यादा पिछले जो ये इरतका में था ये टैक्सेशन का लॉ तो इसके ऊपर बहस होती थी कि अगर एक सिमिलर पोजीशन पे है तो अगर एक कोई काम है तो उसके ऊपर वही बोझ ना डाला जाए जो एक अच्छे साहिब हैसियत के ऊपर डाला जा रहा है। जिसके लिए अभी तक जो कानून वाजिया किया गया कि 40,000 से अबव जो सैलरी ले रहा है जी, 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 जी। वो उसके ऊपर टैक्स लागू होगा, उसके नीचे वालों पे नहीं होगा। तो ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, आगे जो टर्म है एबिलिटी टू पे क्या होती है। एबिलिटी टू पे मैडम ये होती है कि अगर एक शख्स जो है वो टैक्सेशन के उसमें दायरे कार में आ गया है तो उसका चेक किया जाएगा कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसके जो है कंजम्पशन कितनी है रिसोर्सेज की, और साथ में उसका देखा जाएगा कि उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं। तो वो उसकी जो है एबिलिटी टू पे वहाँ से जो है ना इंडिकेट की जाएगी। इसमें सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है एबिलिटी टू पे का वो होता है इनकम, इनकम फैक्टर देखा जाता है, इनकम कितनी है वहाँ से डिराइव किया जाता है कि एबिलिटी टू पे क्या हो सकती है। जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो क्या टैक्सेशन होती है, इसमें फर्क क्या है। जी जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो मैं आपको मसालों से समझा देता हूँ कि क्या होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है जैसे अभी मैंने अर्ज किया आपके सामने कि एबिलिटी टू पे डायरेक्ट टैक्स होता है कि कितना हमने टैक्स जो है ना वो इम्पोज करना है। जैसे इनकम टैक्स है और जैसे क्रेडिट्स हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो हमें डायरेक्ट टैक्स पड़ रहा होता है उसके ऊपर, और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जिसमें हम कहते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट कहते हैं, सेल्स टैक्स कहते हैं, एक्साइज टैक्स कहते हैं। एक्साइज टैक्स बेसिकली जो होता है वो अक्सर लोगों को नहीं समझ आता, एक्साइज टैक्स होता है जो आपकी जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी जो होती है, जैसे गाड़ी है वो चलती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको एक्साइज टैक्स होता है। ठीक है, और जिस तरह कस्टम एक्ट है, कस्टम एक्ट टैक्स जो होता है वो जब चीज़ कोई बाहर से इम्पोर्ट होकर आती है तो वो फिर जो है उसके ऊपर जो है ना जिस तरह की वो चीज़ होती है या जिस कैटेगरी में वो आती है उसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जिसके आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे जो डायरेक्ट कट गया, जो आपने खुद पे कर दिया डायरेक्टली वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और जो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मंगवाते हैं उसके ऊपर से जो वो आप उस परचेजर को या वो उसको जो देंगे जो जी उसी को देंगे और वो खुद ऑटोमेटिकली वो सेलर को वो ऑटोमेटिकली वो काट लेता है, वो खुद टैक्स काट लेता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट्स के बारे में भी बताएं और साथ साथ मुझे ये बताएं डबल टैक्सेशन क्या होती है। देखें, डबल टैक्सेशन जो है आपने जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अ मैन कैन नॉट बी वैक्स्ड ट्वाइस, यानी कि एक जुर्म की सजा दो दफा नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डबल जेपर्टी का रूल कहते हैं कि अगर आपने एक जुर्म कर ली सजा काट ली तो दोबारा आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी। तो टैक्सेशन में भी अगर एक दफा टैक्स लग गया है तो वो दोबारा टैक्सेशन आपके ऊपर नहीं लागू होगी। बेनिफिट प्रिंसिपल में ये होता है कि जैसे अगर आपको टैक्स दे रहे हैं
जैसे आप सोशल सिक्योरिटी का टैक्स देते हैं, उसमें हॉस्पिटल्स वगैरह का आपको जो है वो फ्री मेडिकेशन मिलती है, EOBI हो गया है, उसमें आपके वो कंट्रीब्यूशन कटता है तो आपको वो पेंशन मिलती है, और अगर आप टूल प्लाजा का टैक्स दे रहे हैं तो आपको अच्छी रोड्स मिलना ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है उसको बेनिफिट प्रिंसिपल कहा जाता है। थैंक यू। आगे है कि एक अच्छी टैक्सेशन के क्या असूल होते हैं, और साथ में हमें ये बता दें कि एक इसके टैक्सेशन के बुनियादी मकासद क्या है। जी जी, अच्छी टैक्सेशन में मैडम आ जाता है कि एबिलिटी टू पे, जैसे पहले मैंने बताया कि उसके ऊपर रख के उसकी टैक्सेशन की जाए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, और साथ साथ आपका जो है एक इक्वालिटी के साथ जो है वो टैक्स आपका जो है वो आपके ऊपर इम्पोज किया जाए, तो ये अच्छी टैक्सेशन का जो है वो एक जो है बुनियादी प्रिंसिपल आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि एक वो जैसे हमने यकीनी टैक्स या सर्टेन टैक्स है, जी जी, इससे क्या मुराद है, क्योंकि आपने अपनी जो कन्वर्सेशन के अंदर जगह जगह सर्टेन टैक्स के बारे में बोला है, ताकि एक इस टर्म को क्लियर कर दें, जी जी, ताकि देखने वालों के लिए और भी चीज़ों को समझना आसान हो जाए। मैडम, इसके अंदर जो सर्टेनिटी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि टैक्स सर्टेन होना चाहिए, जैसे कि हम वकील सब ये बात जानते हैं कि एक मुहावरा हम बोलते हैं अक्सर, हेयर द अदर साइड ओडाई अल्टीरियम पार्टियम, तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स किस चीज़ का लग रहा है, आपको किस चीज़ की टैक्सेशन की जा रही है, तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सा टैक्स दे रहा हूँ। फिर तो आपको एक अभाम के अंदर और एक अंधेरे में रख के आपसे टैक्स लिया जा रहा है, जो कि विच इज़ नॉट परमिसेबल इवन इन द डिवाइन लॉ एज वेल एज इन द पार्लियामेंट्री लॉ। तो ये चीज़ जो है उसको अडाए अल्टीरियम पार्टियम को जो है के प्रिंसिपल को सामने रख के सर्टेनिटी ऑफ टैक्स जो है वो बनाया जाता है। ये जैसे कि हम हर इसको इस प्रिंसिपल को हर फील्ड ऑफ लॉ के अंदर जो है ना इम्प्लाई और एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद तर्ज टैक्सेशन क्या है और इसके बुनियादी असूल क्या है? जी, जदीद तर्ज टैक्सेशन जो होता है उसके अंदर ये होता है कि आदमी जो दे रहा है टैक्स उसको पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट, जैसे अभी मैंने बताया कि किस चीज़ के अगेंस्ट टैक्स दे रहा है, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कि कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, किस चीज़ के अगेंस्ट आपको कॉस्ट पड़ रही है, और न्यूट्रल टैक्स होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव टैक्स या पॉजिटिव टैक्स का प्रिंसिपल जो है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो किसी चीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बिलो नहीं चार्ज किया जा रहा, तो इससे जो है ना न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल रख के जो है ना जो टैक्स इम्प्लाई किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, वो जो है उसको हम जो है ना वो कह सकते हैं कि जदीद तर्ज का जो टैक्सेशन है आजकल की, वो उसमें जो है ना वो फॉल करती है। यानी हम इसकी मिसालें देख सकते हैं कि अभी हम जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, तो हमारे पास गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्सेशन का जो अमल है वो लागू होता जा रहा है, जैसे हमारे कॉल करने के ऊपर, फिर टैक्स करने के ऊपर, और इंटरनेट यूज़ करने के ऊपर, तो यानी हम कह सकते हैं कि जदीद तकाजों में अब के साथ साथ जदीद टैक्सेशन भी, जदीद टैक्सेशन में ये भी आ जाता है कि जैसे कि आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है कि आपने ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है, और आपको प्रॉपरली आपको पता होता है कि आपने कहाँ कहाँ पर अपनी जो है ना वो आपने अपने आपको किस तरह आपने अपनी टैक्सेशन का जो है ना रिटर्न्स वगैरह अपनी आपने जो है ना वो फाइल करनी है, ये भी एक जदीद तर्ज में आ जाता है और सादगी में आ जाता है, जिसको सिंपल वे बनाया जाए इसको। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जदीद तकाजों के मुताबिक आपको उसको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना चाहिए, और जिस तरह के अभी गवर्नमेंट ने उस तरह के वेबसाइट्स भी लॉन्च कर दी गई हैं, प्रोसीजर भी बहुत सिंपल कर दिया है कि पर्सन को कहीं दूसरी जगह पे जाना ना पड़े, जैसे FBR के ऑफिस के अंदर चक्कर लगाने पड़ते थे, और फिर इसी चक्कर में उनके टैक्स की जो रिटर्न्स वगैरह और टैक्सेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता था ड्यू डेट तक, अभी उसको जो नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको आसान कर दिया कि घर बैठे ही उसको सेल्फ असेसमेंट, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो आसान कर दिया गया है, इसको आप समझ लें कि जदीद तर्ज में आ जाता है। जी बिल्कुल। गार्डनर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने आज हमें एक टैक्सेशन के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स बताए, और इसकी हिस्ट्री भी बताई, और बिब्लिकल हिस्ट्री भी बताई, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन को आपकी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मैं ख़त्म करने से पहले एक बात कर दूँ कि ये तो एक बहुत ही मामूली सी, जैसे कहते हैं हमने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके साथ बहुत सारे इसके साथ लॉज अटैच हैं, और ये एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि एग्जॉस्टिव जिसे कहते हैं, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर एक सीरासल बहस हो सकती है। अरे बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा मधु करेंगे कि हम इसको डिटेल में
इसकी डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा और आपने हमारे जो गेस्ट हैं सातकिन गार्डनर साहब, उनकी बातों से फ़ायदा हासिल किया होगा। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। जी नाजरीन, अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको नए टॉपिक के साथ और नए गेस्ट के साथ आपको फिर मिलेंगे।